हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हाँ, देखिए हम बात करेंगे भारत की एक झलक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फैक्ट। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। भारत ने कुल राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, भारत ने कुल कितने जिले हैं, राज्यवार जिलों की संख्या, जो कि आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे UPSI हो, लेखपाल हो, टेट, सुपर टेट, CTET, तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। लेकिन उसके पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं विषयवार वस्तुओं पर। भारत में कुल राज्य और जिलों की संख्या, जी हैं, आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 है। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 13 है। अरुणाचल प्रदेश में जिलों की कितनी संख्या है, 24 है। असम में जिलों की संख्या 33 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या 27 है। गोवा में जिले की संख्या 2 है। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या 22 है। हिमाचल प्रदेश में जिले की संख्या 12 है। झारखंड में जिले की संख्या 24 है। कर्नाटक में जिले की संख्या 30 है, ये देख लीजिए। केरल में कुल जिलों की संख्या 14 है। मध्य प्रदेश में कुल जिले 51 हैं, हालांकि यहाँ 52 दिए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कुल जिले 52 ही हैं। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है, 36 है। मणिपुर में जिले की संख्या है 16। मेघालय में जिलों की संख्या 11 है। मिजोरम में जिलों की संख्या 8 है। नागालैंड में जिलों की संख्या 12 है। उड़ीसा में जिले की संख्या 30 है। पंजाब में जिले की संख्या 22 है। इसी तरह राजस्थान में जिलों की संख्या 33 है। सिक्किम में जिलों की संख्या 4 है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या जो है 33 है। तेलंगाना में कुल कितने हैं, देखिए तेलंगाना में जिलों की संख्या 33 है। त्रिपुरा में कुल मिला के 8 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या आप सभी को पता ही है, 75 है। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 23 है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश और जिलों की संख्या, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जिलों की संख्या 3 है। चंडीगढ़ में जिले की संख्या 1 है। दादर और नगर हवेली में जिले की संख्या 11 है। दमन और दीव में जिले की संख्या 2 है। लक्षद्वीप में जिलों की संख्या 1 है। दिल्ली में जिले की संख्या 11 है। लक्षद्वीप में संख्या 1 है। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 है। पौंडिचेरी में जिलों की संख्या 4 है। जम्मू एंड कश्मीर में जिलों की संख्या 20 है। लद्दाख में जिलों की संख्या 2 है। ये जानिए भारत में कुल कितने, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख लेते हैं विस्तृत। भारत में कुल जिले की बात की जाए तो वह संख्या कुल 747 दिसंबर 2017 के हिसाब से है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 23 जिले स्थित हैं, जबकि भारत के 29 राज्यों में जिलों की संख्या 724 है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 75 जिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 51 है। भारत में कुल कितने जिले हैं, आंध्र प्रदेश में 13, अरुणाचल प्रदेश में 22, असम में 33, बिहार में 38, छत्तीसगढ़ में 27, गोवा में 2, गुजरात में 33, हरियाणा में 22, हिमाचल में 12, जम्मू कश्मीर में 22, झारखंड में 24, कर्नाटक में 30, केरल में 14, मध्य प्रदेश में 51, महाराष्ट्र में 36, मणिपुर में 16, मेघालय में 11, मिजोरम में 8, नागालैंड 11, उड़ीसा 30, पंजाब 22, राजस्थान 33, सिक्किम 4, तमिलनाडु 32, तेलंगाना 31, त्रिपुरा 8, उत्तराखंड 13, उत्तर प्रदेश 75, पश्चिम बंगाल 23। केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या 23 है। अंडमान निकोबार में 3 है। चंडीगढ़ में 1 है। दादरा नगर हवेली में 1 है। दमन दीव में 2 है। लक्षद्वीप में 1 है। दिल्ली में 11 और पांडिचेरी में 4। भारत का देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कच्छ है, जो कि लगभग 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जिला भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर ठाणे है। भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जिला ठाणे है, जो कि महाराष्ट्र में है। यह जिला महाराष्ट्र में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जिले में लगभग 1,10,54,131 लोग निवासी हैं, निवास करते हैं। भारत का सबसे छोटा जिला देख लीजिए, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे। अगर हम इंडिया के सबसे छोटे जिले की बात करें तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि भारत के पांडुचेरी में स्थित है। यह जिला लगभग 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जनसंख्या के आधार पर देख लें, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा जिला अपर दिबांग वैली है, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 7,948 लोग निवास करते हैं। यह जिला भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह जिला इस राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है, जो कि लगभग
9129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, परंतु जनसंख्या के मामले में यह भारत का सबसे छोटा ज़िला है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप लोगों को जो क्वेश्चन जो कि एक नंबर ही क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लगभग सभी एग्जाम में एक या दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। हालांकि जो भी त्रुटियाँ हों, आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। आप सभी लोगों से लास्ट में, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।